Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal Classes. Students, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CMA final का जो paper number 19 है, cost and management audit, आखिर उसके अंदर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा marks secure कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से chapters हैं, कौन कौन से स्टडी नोट है जो कि ज्यादा मार्क्स कवर करते हैं, उनमें से ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में वेटेज है और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से हमें स्टडी नोट पढ़ने चाहिए, किस प्रेफरेंस में पढ़ने चाहिए, पहला कौन सा स्टडी नोट पढ़ना चाहिए, देन कौन सा पढ़ना चाहिए। एंड उसके अलावा बच्चों सबसे जरूरी जो है डिस्कस करना वो ये है कि देखिए स्टूडेंट अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर वो स्टूडेंट्स जिनका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है उन्हें कौन कौन से स्टडी नोट्स पढ़ने चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है उन्हें कौन कौन से स्टडी नोट्स पढ़ने चाहिए। आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ना आप ये समझ लें कि आपका ये जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 19, ये इसके अंदर एक तो है सेक्शन एक कॉस्ट ऑडिट जो कि 35 मार्क्स का है, देन है सेक्शन बी मैनेजमेंट ऑडिट वो है 15 मार्क्स का, उसके अलावा सेक्शन सी इंटरनल ऑपरेशनल ऑडिट वो है आपके 25 मार्क्स का, और लास्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और वो है 25 मार्क्स के। तो अब मैं बताना स्टार्ट करता हूं बच्चों कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जिससे कि हम इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है और आप थ्योरी में अच्छा कवर कर लेते हैं, आपको थ्योरी में कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैं थ्योरी में तो मार्क्स लेकर आ ही जाऊंगा हर हालत में, तो फिर बच्चों आपको जो स्टडी नोट्स सबसे पहले पढ़ने चाहिए वो हैं स्टडी नोट 1, 2, 3, 4, 5, उसके अलावा 10, 11, 12। इसमें से मैं बता दूं बच्चों, देखिए 1 से लेके 5 तक आपने जो पढ़ा, 1 से लेके 5 तक आपने जो पढ़ा उसमें आपका 35 में से आपका सेक्शन ए कितने का है 35 मार्क्स का, उसमें टोटल 6 चैप्टर, उसमें से 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ने को बोले। मैं थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं पहले, उसमें से मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ने को बोले 1, 2, 3, 4, 5। और बच्चों अगर आपने थर्ड स्टडी नोट पढ़ लिया इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपने 6 स्टडी नोट भी पढ़ लिया, छोटा सा है 6 स्टडी नोट, 4 टॉपिक है बस उसके अंदर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर चांस होते हैं 1 या 2 मार्क का आता है। अपन ने जब इसको 100 पढ़ा था स्टडी नोट 6 को, तब उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे, 1 से 2 नंबर का ये चैप्टर आता है। बस चैप्टर 6 के अंदर हेडिंग पढ़नी है आपको, क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट चैप्टर 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब बच्चों मैंने आपको बोला ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो फिर बच्चों इस केस में आपके 35 में से आप लगा लीजिए कि 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं, 20 से 25, क्योंकि 35 में से 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है, 10 से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है। एक तो स्टडी नोट 2 है उसके अंदर 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और स्टडी नोट 5 है उसके अंदर कुछ आपके 12 या 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये जो टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें से 10 से 15 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो थ्योरी स्टूडेंट जो हैं जिनका थ्योरी स्ट्रांग है उन्हें सबसे पहले पढ़ना चाहिए स्टडी नोट 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, बाय डिफॉल्ट 6 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो 20 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। उसके बाद में मैंने बोला 10 से लेके 12 आपका जो बच्चों
10 से लेके 12 तक चैप्टर आ जाएगा, उसमें देखिए एक तो ये 15 मार्क्स है, एक तो ये तो 15 में से आप लगा ले कि आपके 6 मार्क्स थ्योरी में चले जाएंगे। इसका मतलब आपने 20 से 25 तो सेक्शन ए में सिक्योर कर लिए, 6 मार्क्स आपने सेक्शन बी में सिक्योर कर लिए, और उसके अलावा जो 25 मार्क्स का ये आपको सेक्शन सी दिया हुआ है, ये आपने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया, क्योंकि इसके अंदर 12th चैप्टर ज्यादा अच्छे से आता है। अरे ये मेरी बात समझ में, 11, 12 यहां तक आपने पढ़ लिया, ये ज्यादा आता है, तो 25 में से आपने ये लगा लीजिए 15 मार्क्स का सिक्योर कर लिया। तो देखिए 20, अगर हम 20 लेकर चले, 20 प्लस 6 26 प्लस 15, बच्चों आपके 50 मार्क्स तक यहां पर सिक्योर हो गए। सिर्फ थ्योरी चैप्टर्स हैं ये, इनमें से प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल का मैंने मना कर दिया, अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो और भी आ जाएगा। तो जो थ्योरी स्टूडेंट्स हैं अगर वो इतने चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो इजिली 50 मार्क्स कवर अप कर लेते हैं, इजिली 50 मार्क्स। अब बच्चों 50 मार्क्स आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के कर ली, उसके बाद में प्रैक्टिकल पर आपको आना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अंदर ओनली 64 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ओनली, और मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है। हम लोगों ने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व किए हुए हैं। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तब आपने देखा था कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, तो जो थ्योरी स्टूडेंट्स हैं अगर वो ये चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, ओनली अगर ये पढ़ के जाते हैं, तो वो 50 मार्क्स इजिली सिक्योर कर पाएंगे। अगर 50 से ज्यादा चाहिए तो बच्चों फिर आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ते ही आपके लिए फिर इजिली 80 अबव मार्क्स आ सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी स्टूडेंट्स। अब बात आती है सर प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिनका प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों आपके लिए मैं बता दूं टोटल 64 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ओनली। अगर ये 64 के 64 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आप इजिली 50 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, इजिली 50 मार्क्स। सर कैसे सिक्योर कर लेंगे, देखिए स्टडी नोट 2 के अंदर, जो आपका स्टडी नोट 2 है उसके अंदर 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ जाता है। फिर आपका बचा स्टडी नोट 5, उसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टोटल 13 या 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक आएगा ही आएगा, 8 मार्क्स का वो मान। फिर आ जाता है आपका स्टडी नोट 9, स्टडी नोट 9 के अंदर ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 18-19 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल, बट वो इजी है, इजी है, अरे मेरी बात समझ में। और अगर वो आप कर लेते हो तो कम से कम 10 मार्क्स आप वहां से सिक्योर कर लेते हो, कम से कम बोल रहा हूं, बल्कि ज्यादा ही कर लेते हो, 10 नहीं आप लेकर चलिए कम से कम 15 मार्क्स यहां से आपके आ जाए। और एक है बच्चों लास्ट में जो केस स्टडी है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसके टोटल आप देखेंगे तो 21 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो 25 मार्क्स का है। तो देखिए 25 प्लस 15 40 मार्क्स, 40 नंबर, एंड 8 प्लस 8 16, इसका मतलब 56 नंबर आपके ओनली 64 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करके आ जाए। अगर इसमें से कम भी लेते हो, 6 नंबर और माइनस कर दें, तो भी 50 मार्क्स आप सिर्फ 64 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने क्लासेस, इवन यूट्यूब पर कुछ फ्री क्लासेस तक दी हुई है, इवन मैराथन क्लास दी हुई है इस सब्जेक्ट की, फ्री क्लास बच्चों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, आप स्टडी नोट 9 से लेके 14 तक की आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी।
बाकी आपके पास में अगर क्लासेस हैं तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया। तो मैं दोबारा से बोल दूं, अगर आप थ्योरी स्टूडेंट्स हैं तो आप इजिली 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ के। आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो फिर आप ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी पढ़ लो, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर। बट अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, सिर्फ थ्योरी, तो ये चैप्टर्स पढ़ के आप इजिली 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो। और अगर सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ के 50 मार्क्स लेकर आ सकते हो। बाकी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो बच्चों इन दोनों को पढ़ लीजिए, आपके 80 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके 80 मार्क्स पूरे आप इजिली सिक्योर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अच्छा, इसके अलावा बच्चों अगर आप मोहित बंसल क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट की क्लास परचेज करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो देखिए नीचे नंबर दिया हुआ है 9829767888। इस पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप क्लासेस परचेज कर सकते हो। आपको क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं आपको, और रेगुलर टेस्ट होते हैं हर वीक, आपके हर वीक में एक टेस्ट होता है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज, कुछ भी टेलीग्राम मैसेज कर लीजिए, पूरी टीम है हमारी, प्रॉपर आपको रेस्पॉन्स देगी। अनलिमिटेड व्यूज रहते हैं आपके एग्जाम तक, जब तक आपके एग्जाम रहेंगे तब तक अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? अगर अभी कोई जून 2022 में देने वाला है तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, जिस पर बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस परचेज करी है, आप उस ऑफर का फायदा उठाकर भी क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं, आप इजीली उन पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके फ्री में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप इन इस अगर चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो इजिली, अगर ये सभी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए तो इजिली 80 अवर मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।